हेलो गाइज, मैं हूँ हार्दिक पांचाल। और भाई, आपको मैंने रेडिगो की भाई सारी चीज़ें दिखा रखी है, इसकी मॉडिफिकेशन, इसका रिव्यू, इसकी सारी चीज़ें। बट लेकिन आज भाई इसके नेगेटिव बताने वाला हूँ मैं आपको कि इस गाड़ी के अंदर, भाई जाहिर सी बात है, जब गाड़ी के अंदर पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव भी होंगे। हर गाड़ी परफेक्ट तो नहीं होती, हालांकि 4 लाख की रेंज में आती है, बट लेकिन उसके बाद भी आपको इसके अंदर काफ़ी सारे नेगेटिव देखने के लिए मिल जाएंगे। भाई मैं बिल्कुल छोटे छोटों की बात नहीं करूँगा, जो बिल्कुल मेन मेन रीज़न वाले ना, मेजर मेजर नेगेटिव्स, उनकी बात करूँगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्टिंग तो भाई इंटीरियर से ही करेंगे, क्योंकि जैसा आपको पता है, बाहर से तो यार हर गाड़ी में आप देखते ही हो, बस जब आती है इंटीरियर की बात तो भाई हम बैठ के चलते हैं ज़्यादातर इंटीरियर में। तो उसके बाद मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ कि भाई हम बाहर से तो देखते रहते हैं, देखो जैसे वो गाड़ी खड़ी है हम इतना ही देखेंगे इसको, और लेकिन जब हमें 100 किलोमीटर जाना है, 200 किलोमीटर जाना है, तो हम इंटीरियर में बैठ के जाएंगे। और भाई इंटीरियर में सबसे पहला जो इसका नेगेटिव है वो है इसकी डैशबोर्ड क्वालिटी। देखो भाई कैसे दबता है यार ये, मतलब चीप क्वालिटी बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना वो वाली क्वालिटी लगती है इसकी आवाज़ देखो। और भाई वाइब्रेशन, जैसी थोड़ा सा लाइट या फिर थोड़ा स्लोप होता है ना, तो भाई इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन करता है, गड़गड़ गड़गड़ करने लग जाता है। उसके बाद भाई इसकी देखो फिट एंड फिनिश, ये देखो भाई फाइबर का गेट दे रखा है, ये भी ऐसा ही है, मतलब प्लास्टिक की दब 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 करता है, नॉइस तो आती है। यहाँ पर यार कवर तो कर देते हैं यार, देखो पूरी के पूरा गेट दिखता है। उसके बाद बी पिलर पर भी देखोगे तो कुछ नहीं है, मतलब ये फाइबर ऊपर तक तो जानी चाहिए यार। पीछे की साइड ये वाला गेट देखो भाई, बिल्कुल लोहे का दे रखा है यार, यहाँ पे फाइबर दे देते, चलो इसको छोड़ देते हैं तो चल जाता है, बट लेकिन वहाँ पे तो देनी चाहिए। तो भाई फर्स्ट नेगेटिव, आप बताना आपके हिसाब से सही है या गलत है। मेरे को तो भाई काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लगता है ये वाला पॉइंट ना, इसकी बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि भाई हम इंटीरियर में बैठ के चलते हैं तो फिर यही चीज़ हमारे सामने रहती है, आप बाहर से तो देख नहीं सकते बार बार जा जाके। तो भाई उसके बाद आती है अपने पास सेकेंड चीज़, वो मैं आपको बाहर चल के दिखाऊंगा। उससे पहले मैंने लगाई इसकी की और ये कर दी हमने हेडलैम्प ऑन, है ना। अब दिखाता हूँ भाई आपको मेन चीज़ जो है इसके हेड लैंप्स। ये देखो भाई हेड लैंप देख रहे हो भाई, नाइट के टाइम पे इतना गंदा थ्रो मिलता है आपको रेडिगो की लाइटों के अंदर। ये वाला बल्ब फ्यूज़ हो रखा है शायद से, ये वाला जल रहा है देखो भाई, नाइट के टाइम पे कोई थ्रो ही नहीं है इनका। और ऊपर से इनके अंदर फॉग लैंप भी नहीं आते, क्योंकि भाई लगाने का ऑप्शन नहीं है, गड्ढा तो ऐसे ही दे रखा है इसमें, वो लगते हैं पतली पतली LED वाले। बट लेकिन भाई रात के टाइम पे जब आप हाईवे पे चलते हो ना, तो आपको बिल्कुल भी अच्छा थ्रो नहीं मिलता इन लाइटों से, और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, दूर तक ज़्यादा देख सकते हो। और भाई यही था सेकंड नेगेटिव, फॉग लैंप दे देते यार तो कम से कम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती लाइटिंग। तो चलो भाई ये सेकंड नेगेटिव था, अब लेके चलता हूँ आपको थर्ड नेगेटिव की तरफ। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर बैठ के और फिर बताता हूँ आपको कि थर्ड नेगेटिव क्या है। पहले भाई गाने बंद करो, बेस ट्यूब आती है इसके अंदर। अब आता है भाई थर्ड नेगेटिव जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, इसका इंजन नॉइस। इंजन भाई इतनी आवाज़ करता है ना, 800 cc के हिसाब से देखो, जैसे गाड़ी ऑन कर रहा हो आप, सुन लो अपने हिसाब से। ये देखो भाई कितनी तेज नॉइज़ आती है यार, डीजल इंजन भी इतनी नॉइज़ नहीं करता होगा, बड़ी बड़ी गाड़ी होगा, सेल्टोस क्रेटा जैसी होगा। ये देखो अभी विंडो भी बंद है मेरी, अगर मैं इसको करता हूँ ओपन, अब आप नॉइज़ सुन सकते हो। और अगर आपको बाहर ले जाके सुनाऊं तो भाई आप कहोगे कि भाई वाकई में ही देखना 800 cc के हिसाब से कितनी नॉइज़ कर रहा है, यहाँ तक आवाज़ आ रही है यार मेरे को। पर लेकिन भाई इसके अंदर ना इंसुलेशन वगैरह बहुत कम दे रखी है, बोनट में दे रखी है खाली एक इंसुलेशन, है ना, उसके बाद तो कहीं मिलती नहीं आपको। नॉइज़ देख लो यार, नॉइज़ बहुत इरिटेट कर देती है यार, जब हम हाईवे वगैरह पे चल रहे होते हैं ना, तो फिर ये जो नॉइज़, अभी तो ये देखो बिल्कुल स्टॉप गाड़ी के अंदर इतनी नॉइज़ दे रहे हैं, जब हम इसको हाईवे पे लेके चलते हैं ना, तो भाई इसकी नॉइज़ ना इससे भी डबल मान सकते हो, डबल से भी ट्रिपल हो जाती है। एक तो भाई रोड नॉइज़ आती है साथ में, और भाई इंजन नॉइज़ करता है तो भाई काफ़ी ज़्यादा आवाज़ बढ़ जाती है। और शीशे खोल के चलोगे तो भाई फिर तो आपको लगेगा पता नहीं क्या ही चला रहा हूँ भाई, कितनी आवाज़ वाली चीज़ चला रहा हूँ मैं। तो चलो भाई अब बात करते हैं इसके फोर्थ नेगेटिव की, जो है भाई इसके अंदर स्पीकर सिस्टम। भाई सेकंड बेस वेरिएंट था, बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट, दो स्पीकर आते थे भाई खाली फ्रंट के अंदर, पीछे की साइड कहीं पे भी आपको लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता। पीछे भाई पांच अल्ट्रे में जब ही लगवा रखे स्पीकर और बेस ट्यूब, क्योंकि भाई दो स्पीकर में कुछ भी नहीं होता था यार, बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे वो नहीं होता अपने होम थिएटर के स्पीकर, बिल्कुल फटे फटे से चलते छोटे वाले, वैसे स्पीकर लगा रखे यार, कोई कंपनी वंपनी पता नहीं कौन से। अगर आप इससे ऊपर वाले वेरियंट में जाते तब भी शायद से आपको दो ही मिलते, क्योंकि भाई पीछे जब लगाने की जगह नहीं है तो ऊपर वाले वेरियंट में भी कहाँ से दे देंगे। अगर किसी भाई की गाड़ी में लगे हो तो बताना मेरे को ज़रूर से। तो भाई फोर्थ नेगेटिव तो ये है कि इसके साउंड सिस्टम बड़ा ही बेकार था, कि भाई दो स्पीकर लगते थे, उसकी आवाज़ आती नहीं थी, स्क्रीन टच इसमें लगे
नहीं सकता। अगर कोई बंदा अब भी आफ्टर मार्केट लगवाना चाहे भाई नहीं लग सकता। एसी वेंट इस टाइप से दे रखे, इसको हटा के कहाँ लगाओगे? यहाँ पे अपने एसी वेंट हो गए, यहाँ पे अपने एसी की कूलिंग आती है, अब इसको हटा के कहाँ लगाओगे बताओ? स्क्रीन भी नहीं लग सकती, अगर स्क्रीन लगेगी तो ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई फिफ्थ नेगेटिव की, तो वो आप सबको पता होगा कि छोटी गाड़ी है, छोटा इंजन है, तो भाई टायर साइज़ देख रहे हो, 13 इंची का टायर साइज़ है, तो हाईवे पे क्या परफॉर्मेंस देगा? आप समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई, बैलेंसिंग। जो ये इसकी गाड़ी जब 100 से ऊपर जाती है ना, तो भाई ऐसे ऐसे कांपने लग जाते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस वाली भी चीज़ ही नहीं होती कि हम ब्रेक ले लेंगे या फिर मतलब और स्पीड में ले जा सकते हैं, 140 150 तक ले जा सकते हैं, चली तो जाएगी 150 तक भी, बट लेकिन वो भाई ओवर कॉन्फिडेंस होकर ले जानी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा हमारे अंदर कि हाँ भाई बिल्कुल भी हम रोक लेंगे या फिर हमारा पूरा कंट्रोल है। वो भाई अगर हल्की सी भी चूक हुई ना तो फिर दिक्कत होनी होनी है या फिर अनहोनी हो सकती है आपके साथ। तो ये था भाई फिफ्थ नेगेटिव कि भाई इसका टायर साइज़ और ये जो है ना इसका एरिया, इनके बीच में काफ़ी कम गैप है, तो जिस वजह से ना गाड़ी कांपने लग जाती है। तो भाई फिफ्थ नेगेटिव कैसा लगा आप बताना। अब चलते हैं भाई अपने सिक्स्थ नेगेटिव की तरफ, और जो कि अपना लास्ट नेगेटिव रहेगा रेडिगो के बारे में। तो भाई जो हमारा सिक्स्थ नेगेटिव है वो है इसका बिल्ड क्वालिटी। यार आप कहोगे कि भाई 4 लाख में कैसी बिल्ड क्वालिटी चाहेगा, पर लेकिन भाई बिल्कुल भी नहीं है। एक बार मैं आपको अनलॉक करके दिखाता हूँ, गेट देखोगे ये देखो भाई बिल्कुल हल्के से है। उसके बाद आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं इधर की साइड ले जाके, ये देखो भाई जैसे कि इधर की साइड आए ना, बिल्ड क्वालिटी में भाई क्या होता है ना, हल्की फुल्की टच होती है तो कोई गड्ढे वड्ढे होते नहीं है। देखो भाई डेंट, यहाँ पे डेंट हल्की सी टचिंग पे है भाई, बिल्कुल हल्का सा, जिसको बोलते हैं ना हल्का सा हाथ ऐसे टच हो गया उस पे डेंट पड़ जाता है ये चीज़ ना, आप देख सकते हो इधर की साइड भी लगा हुआ है। तो यार मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी चाहिए रेडिगो की, क्योंकि भाई अल्टो वगैरह का तो वो होता है मारुति में कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती, बट लेकिन यार डैटसन तुम तो कुछ अच्छी बिल्ड क्वालिटी दो ताकि कॉम्पिटिशन बढ़ा रहे और आपकी गाड़ियाँ ज़्यादा बिके। उसके बाद भाई बिल्ड क्वालिटी तो यार इतनी अच्छी नहीं, देखो डोर भी अगर मैं खोल के दिखाता हूँ ना, ये देखो भाई कितने हल्के हल्के से फील होते हैं यार, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, बिल्कुल पत्ता सा है। तो यार मेरे यही छोटी सी वीडियो थी नेगेटिव दिखाने की, आपको 6 नेगेटिव दिखाए मैंने जिसके अंदर। अगर भाई वीडियो पसंद आता तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।